हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे बीडी चौरसिया के चैप्टर 2 हैंडबुक का। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द पार्ट 2। सो मेडिको लीगल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट्स से स्टार्ट करेंगे। हमारा ग्रोथ ऑफ अ लॉन्ग बोन कंप्लीट हो गया था यहाँ तक। सो आज हम देखेंगे कि बोन से रिलेटेड जो मेडिको लीगल केसेस में एंड एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है बोन से रिलेटेड। सो व्हेन अ स्केलेटन और आइसोलेटेड बोन्स आर रिसीव्ड फॉर मेडिको लीगल एग्जामिनेशन, वन शुड बी एबल टू डिटरमाइन। जब कुछ बोन की हड्डियाँ या पूरा स्केलेटल जब मेडिको लीगल एग्जामिनेशन के लिए जाता है तो हम क्या चीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें बता रखी हैं कि जो हम बोन से जिस चीज़ को हम जान सकते हैं वो चीज़ें हैं वेदर द बोन्स आर ह्यूमन और नॉट। ये जो बोन्स हैं वो ह्यूमन की हैं या नहीं है, मतलब इंसान की है या नहीं है, वेदर दे बिलोंग टू वन और मोर पर्सन्स, या फिर वो हड्डियाँ जो हमें मिली हैं वो सारी एक पर्सन की हैं या एक से ज़्यादा पर्सन की हैं, द एज ऑफ द इंडिविजुअल, उस इंसान की जिसकी हड्डी मिली है उसकी उम्र क्या होगी वो हम जान सकते हैं, द सेक्स जान सकते हैं वेदर द स्केलेटन इज अ मेल और अ फीमेल, द स्टेचर कि उसका स्टेचर कैसे होगा, हट्टा कट्टा था आदमी या पतला था या फिर उसमें कुछ डेफिशिएंसीज थी, उस तरह से हम जान सकते हैं उस पर्सन के बारे में, द टाइम एंड कॉज ऑफ डेथ कि किस समय डेथ हुई उस पर्सन की एंड उस डेथ की क्या वजह रही होगी, ये भी हम हड्डी की जांच से जान सकते हैं एग्जामिनेशन से। सो फॉर एक्सलेंट डिटेल्स ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, सो दीज आर द थिंग्स दैट कैन बी डिटरमाइंड थ्रू मेडिको लीगल एग्जामिनेशन। सो ये सब चीज़ों से हम जान सकते हैं बोन के बारे में या उस पर्सन के बारे में, उसकी डेथ कैसे हुई, एज क्या थी उसकी, वेदर ही इज अ मेल और अ फीमेल और टाइम एंड कॉज ऑफ डेथ जान सकते हैं। सो फर्स्ट इज स्केलेटल एज। सो अप टू द एज ऑफ 25 ईयर्स द स्केलेटल एज कैन बी एस्टिमेटेड टू विद इन 1 to 2 ईयर्स ऑफ करेक्ट एज बाय द स्टेट्स ऑफ डेंटिशन एंड ऑसिफिकेशन प्रोवाइडेड द होल स्केलेटल इज अवेलेबल। सो 25 साल की उम्र तक हम जान सकते हैं स्केलेटल एज विद इन 1 to 2 ईयर्स ऑफ करेक्ट एज बाय द, मतलब जो अगर हमें पूरा स्केलेटन मिलता है तो उसके डेंटिशन से मींस कि दांतों का मतलब कितने दांत आए हैं या दांतों के बारे में अगर जानते हैं और डीप जाते हैं और बोन्स के ऑसिफिकेशंस को देखते हैं तो उस हिसाब से जो पर्सन की एज है वो जान सकते हैं फ्रॉम 25 ईयर्स ऑनवर्ड्स। और अगर ज़्यादा उम्र का है द स्केलेटल एज कैन बी एस्टिमेटेड टू विद इन +5 ईयर्स ऑफ द करेक्ट एज बाय द स्केलेटल बाय द स्टेज ऑफ क्रेनियल सूचर्स। क्रेनियल सूचर्स की क्या स्टेज है उससे हम 25 ईयर्स से जान 25 ईयर से ज़्यादा वाले को हम इस तरह से जान सकते हैं, एंड ऑफ द बोनी सर्फिसेज ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। और सिम्फाइसिस प्यूबिस की बोनी सर्फिसेज कैसी हैं उससे भी हम जान सकते हैं। क्रेनियल सूचर्स एंड बोनी सर्फिसेज ऑफ सॉरी सिम्फाइसिस प्यूबिस से जान सकते हैं। सो इन जनरल द अपियरेंस ऑफ सेकेंडरी सेंटर्स एंड फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस अकर्स अबाउट 1 ईयर अर्लियर इन फीमेल्स देन इन मेल्स। अगर कंपैरिजन करें मेल्स एंड फीमेल्स में सेकेंडरी सेंटर्स के अपियरेंस का और फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस का, सो फीमेल्स में वो 1 साल पहले ही हो जाता है। दीज इवेंट्स आर ऑल्सो बिलीव टू अकर 1 to 2 ईयर्स और 2 to 3 ईयर्स अर्लियर इन इंडिया देन इन वेस्टर्न कंट्रीज। और अगर
कंट्रीज के हिसाब से देखा जाए, सो अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेंटर्स एंड फ्यूजन ऑफ एपिफाइजेस अकर्स 1 to 2 years और 2 to 3 years अर्लियर इन इंडिया. इंडिया में 1 से 2 या 2 से 3 साल पहले हो जाता है और कंपेरिजन टू वेस्टर्न कंट्रीज. ओके, हाउ एवर जीत एंड सिंह डिड नॉट फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रेसेस. हाउ एवर, जो जीत एंड सिंह थे 1971 में, इन्हें कोई डिफरेंस नहीं मिला ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रेसेस के बीच. सो एस्टिमेशन ऑफ द सेक्स, इट कैन बी डिटरमाइंड आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी. द डिफरेंसेज आर बेस्ट मार्क्ड इन द पेल्विस एंड स्कल. पेल्विस एंड स्कल में बहुत एक्यूरेट डिफरेंसेज होते हैं एंड एक्चुअल डिटर्मिनेशन कैन बी डन ओवर 90% केसेस विद आइदर पेल्विस और स्कल अलोन. और 90% केसेस जो है सिर्फ पेल्विस या फिर स्कल के अकेले, मतलब स्कल बोन अकेले से या फिर सिर्फ पेल्विस से या फिर सिर्फ स्कल से, इसे हम जान सकते हैं वेदर द पर्सन इज अ मेल और अ फीमेल. सो हाउएवर स्टर्नम, एटलस एंड मोस्ट ऑफ द लिम्स, इन सब से भी हम जान सकते हैं. ओके, एस्टिमेशन ऑफ स्टैचर, हाइट. सो हाइट का जो है वो भी हम पता लगा सकते हैं बोन से. सो इट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट द ट्रंक एंड लिम्स शो करेक्टरिस्टिक रेशियो अमंग देमसेल्स एंड इन कंपेरिजन विद टोटल हाइट. सो देर इज अ रेशियो कि ट्रंक का कितना वेट रहेगा एंड उसके कंपैरिजन में लिम्स की कितनी हाइट रहेगी. सो थस अ नंबर ऑफ रिग्रेशन फॉर्मूला हैव बीन वर्कड आउट टू डिटरमाइन हाइट फ्रॉम द लेंथ ऑफ द इंडिविजुअल लिम्ब बोन्स. इंडिविजुअल लिम्ब बोन्स से हाइट का पता लगा सकते हैं. इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूलेज रहे होंगे. सो उन लोगों ने, मतलब वो लोग वो यूज करते हैं. हाइट कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ सर्टेन लॉन्ग बोन्स. सो सर्टेन लॉन्ग बोन्स के पार्ट्स से भी और हेड लेंथ से एंड फुट मेजरमेंट से भी हम हाइट डिटरमाइन कर सकते हैं. सो लॉन्ग बोन्स से, हेड लेंथ से एंड फुट मेजरमेंट से भी हम हाइट डिटरमाइन कर सकते हैं पर्सन का. सो सी आर लेंथ हैज बीन को रिलेटेड विद डायाफाइजियल लेंथ ऑफ फीटल बोन्स. फीटल बोन्स की डायाफाइजियल लेंथ से हम सी आर लेंथ भी देख सकते हैं एंड विद द न्योनेटल एंड प्लेसेंटल पैरामीटर्स, इन सब से भी. ओके, सो नेक्स्ट इज एस्टिमेशन ऑफ रेस, मीन्स वेदर ईस्टर्न है और वेस्टर्न है. सो ये हम कैसे जान सकते हैं? सो अ नंबर ऑफ मेट्रिकल लाइक क्रेनियल एंड फेशियल इंडाइसेस एंड नॉन मेट्रिकल फीचर्स ऑफ द स्कल पेल्विस एंड सर्टेन अदर बोन्स आर ऑफ रेशियल सिग्निफिकेंस. सो इन सब से रेशियल सिग्निफिकेंस है और सबसे जान सकते हैं. लेट्स नॉट गोइंग सो डीप इन दैट, ओके, बिकॉज दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बट इतना इन्फॉर्मेशन बहुत है. सो कार्टिलेज के बारे में हम जानेंगे. अब हम बात करेंगे कार्टिलेज की. सो कार्टिलेज के लिए सिनोनिम्स है कॉन्ड्रोस, ग्रिसल. कंपेयर विद द टर्म्स कॉन्ट्रिफिकेशन, कॉन्ड्रोडिस्ट्रॉफी, सिनकॉन्ड्रोसिस. बेसिकली कॉन्ड्रो वर्ड इज यूज्ड फॉर कार्टिलेज. दिस वर्ड इज यूज्ड वाइडली इन मेडिकल फील्ड. ओके, सो डेफिनेशन, अ कार्टिलेज इज अ कनेक्टिव टिश्यू. कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है कंपोज्ड ऑफ सेल्स जो कि कौन से सेल्स से मिलके बना है? कॉन्ड्रोसाइट्स एंड फाइबर्स से मिलके बना है जो कि एम्बेडेड है, मींस लगे हुए हैं एक फर्म जेल मैट्रिक्स, जेल लाइक मैट्रिक्स से, विच इज रिच इन म्यूकोपॉलीसेकेराइड. सो एक जेल लाइक मैट्रिक्स है जो कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स
से रिच है, उसमें कॉन्ड्रोसाइट्स एंड फाइबर्स हैं, सो वो बनाते हैं कार्टिलेज. इट इज मच मोर इलास्टिक देन बोन, और ये बोन से तो बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है. करेक्ट. नेक्स्ट, उसके जनरल फीचर्स हम जानेंगे कार्टिलेज के. सो आपको अगर देखो इस टाइप का होता है कार्टिलेज. ओके, द ब्लू कलर इलास्टिक टाइप थिंग. सो फीचर्स हम पढ़ते हैं कार्टिलेज के. सो कार्टिलेज हैज नो ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक्स. कार्टिलेज की कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती है और ना ही कोई लिम्फेटिक सप्लाई होती है. द न्यूट्रिशन ऑफ सेल्स डिफ्यूजिस थ्रू द मैट्रिक्स, और इसका जो न्यूट्रिशन जो मिलता है वो डिफ्यूजन के थ्रू मिलता है. मीन्स जो इसका मैट्रिक्स था ना, जेल लाइक मैट्रिक्स जो कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बना हुआ है, उससे ही वो अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करता है थ्रू डिफ्यूजन से. कार्टिलेज हैज नो नर्व्स. कार्टिलेज की कोई नर्व्स नहीं है, ना सप्लाई नहीं है, इसलिए इनसेंसिटिव है. वहाँ पे ना तो टच, पेन, टेम्परेचर, कुछ पता नहीं चलेगा. कार्टिलेज इज सराउंडेड बाय अ फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम. कार्टिलेज जो है वो सराउंड होता है फाइब्रस मेम्ब्रेन से, जिसको बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, विच इज सिमिलर टू पेरिओस्टियम इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. जैसे बोन की आउटर लेयर होती है पेरिओस्टियम, ठीक है, ऐसे ही कार्टिलेज की जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम. सिंपल, सेम जो पेरिओस्टियम का स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है, सेम वो पेरिकॉन्ड्रियम का होता है कार्टिलेज में. द आर्टिकुलर कार्टिलेज हैज नो पेरिकॉन्ड्रियम. और जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, मीन्स जहाँ पे आर्टिकुलेशन करेगा कार्टिलेज, वहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता है. सो दैट इट्स रीजनरेशन आफ्टर इंजरी इज इनएडिक्वेट. इसलिए इंजरी के बाद उसका रीजनरेशन होना उतना इफेक्टिवली रीजनरेट नहीं होता है वो, क्योंकि एक तो उसकी ब्लड सप्लाई भी नहीं है, ना ही नर्व सप्लाई है, एंड जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम नहीं प्रेजेंट है. सो दैट्स व्हाई व्हेन कार्टिलेज कैल्सिफाइज, जब कार्टिलेज कैल्सिफाई करता है, मीन्स व्हेन द कार्टिलेज कन्वर्ट्स इनटू बोन, कॉन्ड्रोसाइट्स डाई, कॉन्ड्रोसाइट्स मर जाते हैं, एंड द कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय अ बोन लाइक टिश्यू. कार्टिलेज वहाँ का जो है कार्टिलेज, उसमें के जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो मर जाते हैं, और वो किससे रिप्लेस हो जाते हैं, बोन जैसी टिश्यू से. सो अब हम पढ़ेंगे बोन एंड कार्टिलेज के बीच का डिफरेंस क्या है दोनों का. सो बोन जो है वो हार्ड होती है, कार्टिलेज फर्म होता है, ना ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना ज़्यादा हार्ड होता है, बीच का होता है. ओके, मैट्रिक्स हैज इनफ्लेक्सिबल मटेरियल कॉल्ड ऑसियन. बोन में जो मैट्रिक्स होता है वो एक इनफ्लेक्सिबल मटेरियल होता है, उसको ऑसियन बोलते हैं. और हमने पढ़ा था कि इसमें जो मैट्रिक्स है दैट इज म्यूकोपॉलीसेकेराइड है कॉन्ड्रोइटिन, जो कि फ्लेक्सिबल होता है. ठीक है, बोन में मैट्रिक्स पोजेसेस कैल्शियम सॉल्ट. उसके मैट्रिक्स में सब कैल्शियम सॉल्ट होते हैं, कार्टिलेज के उसमें नहीं होते. मैट्रिक्स में कैल्शियम सॉल्ट नॉट प्रेजेंट. बोन हैज अ रिच नर्व सप्लाई. बोन में रिच होती है नर्व सप्लाई एंड वैस्कुलर इन नेचर. वैस्कुलर होता है नेचर में, लेकिन कार्टिलेज में इट डजेंट हैव अ नर्व सप्लाई एंड इट इज ए वैस्कुलर इन नेचर, मीन्स नो ब्लड सप्लाई प्रेजेंट. ओके, बोन में बोन मैरो इज प्रेजेंट एंड इन कार्टिलेज बोन मैरो इज एबसेंट. बोन मैरो एबसेंट होता है कार्टिलेज में एंड बोन में प्रेजेंट रहता है. एंड इन बोन ग्रोथ इज ओनली बाय एपोजिशन, बाय सरफेस डिपोजिशन. मीन्स सरफेस पे जो है वो वहाँ पे मीन्स बोन वहाँ पे डिपॉजिट होती है. सो और जो ऑस्टियोफाइट्स हैं वो डिपॉजिट होते हैं, सो बोन बनती है. बट कार्टिलेज में ग्रोथ इज एपोजिशनल एंड इंटरस्टिशियल, मतलब अंदर से ही ग्रोथ होती है, सरफेस के डिपोजिशन से नहीं होती. अब हम कार्टिलेज के टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स की कार्टिलेज होते हैं. सो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कार्टिलेज
that is hyaline cartilage, fibrocartilage, elastic cartilage. Okay, so three types के cartilage हैं, hyaline cartilage, fibrocartilage and elastic cartilage. So अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनका कलर कैसा होता है, अपीयरेंस कैसी है इनकी, इनमें फाइबर्स किस तरह के होते हैं, इनकी इलास्टिसिटी कैसी होती है. सो हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज की बात करते हैं. सो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइलाइन कार्टिलेज की. सो ये लोकेशन है इसका इन द आर्टिकुलर कार्टिलेजेस ऑफ लॉन्ग बोन्स, स्टर्नम, रिब्स, नेसल एंड सम लैरेंजियल कार्टिलेजेस. सो जो हाइलाइन कार्टिलेज है वो लॉन्ग बोन्स की कार्टिलेजेस में प्रेजेंट होता है, स्टर्नम पे प्रेजेंट होता है, रिब्स में प्रेजेंट होता है, नेसल एंड सम लैरेंजियल कार्टिलेजेस में प्रेजेंट होता है, नोज में एंड लैरिंक्स के कार्टिलेजेस में प्रेजेंट होता है. कलर इसका ब्लूइश वाइट होता है, ये देख रहे हैं आप. ओके, दिस इज हाइलाइन एंड इलास्टिक कार्टिलेज. नीचे वाला हाइलाइन है. ओके, थायराइड को जो आउटलाइन एंड कवर कर रहा है, दिस वन एपिग्लॉटिस इज इलास्टिक कार्टिलेज. सो अपियरेंस शाइनी होता है एंड ट्रांसल्यूसेंट होता है. फाइबर्स वेरी थिन, हैविंग सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज मैट्रिक्स, सो दीज आर नॉट सीन. एंड इलास्टिसिटी में फ्लेक्सिबल होते हैं. फाइब्रो कार्टिलेज इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस. फाइब्रो कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं वर्टिब्रास, दोनों वर्टिब्रास के बीच में प्रेजेंट होते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस में प्रेजेंट होते हैं, टीएमजे में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट में, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में प्रेजेंट होता है. ग्लिसनिंग वाइट कलर होता है इसका, ओपेक होता है. नंबरस वाइट फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, और ये मतलब सबसे ज़्यादा फर्म होता है, मीन्स ना सॉफ्ट ना हार्ड, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है. ओके, एंड द थर्ड इज इलास्टिक कार्टिलेज जो हमने देखा है एपिग्लॉटिस फॉर्म कर रहा है. सो इन द पिन्ना जो आपका ईयर है वो भी इलास्टिक, जो आप ईयर आउटर ईयर है जो उसको आप इजीली टच कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है वो. सो एंड मूव कर सकते हैं, सो इट इज फ्लेक्सिबल. एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस सी ईयोस्टियन ट्यूब्स में प्रेजेंट होता है, एपिग्लॉटिस में होता है, वोकल प्रोसेस ऑफ एटेनॉइड कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है. येलोइश कलर होता है इसका, ओपेक होता है, इसमें बहुत सारे नंबर्स येलो फाइबर्स होते हैं, और ये सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ये आप देख सकते हो. ओके, इसमें एपिग्लॉटिस में एग्जांपल दे रखा है. सो दिस इज हाइलाइन कार्टिलेज, दिस इज फाइब्रो कार्टिलेज एंड दिस इज इलास्टिक कार्टिलेज एपिग्लॉटिस. ओके, सो अब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी. अ डिफेक्ट इन मेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन कॉजेज अ रेयर सिंड्रोम कॉल्ड क्लीडोक्रेनियल डिजोस्टोसिस. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय थ्री कार्डिनल फीचर्स वेरिंग डिग्रीज ऑफ एप्लेजी ऑफ क्लेविकल, इंक्रीज इन द ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ क्रेनियम एंड रिटार्डेशन इन फंटेनली ऑसिफिकेशन. इट मे बी हेरिडिटरी और इन्वायरमेंटल इन ओरिजिन. ओके, इसमें नहीं दिया हुआ है डायग्राम, इट्स ओके. सो मैं बता देती हूँ इसमें क्या होता है. क्लीडोक्रेनियल डिजोस्टोसिस में क्या होता है, जो क्लेविकल है वो एब्सेंट होती है, ठीक है, या तो ढंग से प्रेजेंट नहीं होंगी, हाफ प्रेजेंट होंगी या फिर एब्सेंट होंगी. सो इसकी वजह से क्या होता है कि क्लेविकल मतलब एक तो ढंग से नहीं हो रही है प्रेजेंट, एंड इंक्रीज इन ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ क्रेनियम, क्रेनियम का ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ रहा है, एंड फॉन्टेनली ऑसिफिकेशन रिटार्ड हो रहा है. ये हेरिडिटरी भी हो सकता है एंड एनवायरमेंटल भी हो सकता है.
A defect in endochondral ossification causes a common type of dwarfism called achondroplasia, in which the limbs are short but the trunk is normal and it is transmitted as a Mendelian dominant character. So, अगर एनकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन में मीन्स ऑसिफिकेशन इन द कार्टिलेज में डिफेक्ट आता है सो ये एक कॉमन टाइप की ड्वार्फिज्म को शो करता है जिसको हम बोलते हैं एकोंड्रोप्लेजिया जिसमें जो लिम्स हैं वो शॉर्ट होते हैं लेकिन जो ट्रंक है वो नॉर्मल होता है मीन्स ट्रंक तो नॉर्मल है लेकिन जो हाथ होंगे उनका साइज छोटा रहेगा इट इज़ ट्रांसमिटेड एज अ मेंडेलियन डोमिनेंट कैरेक्टर और ये मेंडेलियन डोमिनेंट कैरेक्टर तरह से ट्रांसमिट होता है उसी तरह से पेरियोस्टियम इज पार्टिकुलरली सेंसिटिव टू टियरिंग एंड टेंशन जो पेरियोस्टियम होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है टियरिंग के टेंशन के ड्रिलिंग इन टू द कॉम्पैक्ट बोन विदाउट एनेस्थीसिया causes only mild pain or an aching sensation. Drilling into spongy bone is much more painful. अगर compact bone में drill करते हैं, so सिर्फ थोड़ा बहुत बिना anesthesia के तो थोड़ा बहुत mild pain होता है और aching sensation होता है, दर्द होता है. लेकिन अगर drill कर रहे हैं spongy bone में तो वो ज़्यादा painful होता है. Fractures, tumors and infections are of bone. Of the bone are very painful. अगर bone में fractures, tumors and infections हो, बहुत ज़्यादा painful होता है. Blood supply of bone is so rich that it is very difficult to interrupt it sufficiently to kill the bone. Blood supply इतनी ज़्यादा होती है bone की कि अगर बहुत ज़्यादा difficult होता है interrupt करना उसको sufficiently टू किल द बोन मतलब आप सफिशेंटली उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते ब्लड सप्लाई को आप किल नहीं कर सकते बोन को इतनी ज़्यादा होती है पासिंग अ मेटल पिन इन टू द मेडुलरी कैविटी हार्डली इंटरफियर्स विद द ब्लड सप्लाई ऑफ द बोन एंड अगर बोन में मेटल पिन को पास करते हैं मेडुलरी कैविटी में तो वो बहुत बहुत हार्डली थोड़ा बहुत ब्लड को इंटरफेयर करता होगा ब्लड सप्लाई ऑफ बोन में थोड़ा बहुत ही इंटरफेयर करता होगा ज़्यादा कुछ इंटरफेयर नहीं करता है फ्रैक्चर फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ अ बोन द फ्रैक्चर विच इज़ नॉट कनेक्टेड विद द स्किन वुंड इज नोन एज सिंपल क्लोज फ्रैक्चर फ्रैक्चर वॉट इज फ्रैक्चर सो फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन बोन की कंटिन्यूटी में कोई भी ब्रेक आता है उसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं फ्रैक्चर is not connected with the skin wound. Skin wound से अगर connected नहीं है तो उसको close बोलेंगे मीन्स अगर जो bone है fractured bone वो skin से contact कर नहीं कर रही है so उसको simple और close fracture बोलेंगे fracture line में भी oblique और horizontal fracture line जो होती है वो आप oblique A में देख रहे होंगे oblique और horizontal B में देख रहे होंगे ऐसी लाइंस हो सकती हैं सो द फ्रैक्चर विच कम्युनिकेट्स विद द स्किन वुंड इज नोन एज ओपन और ऐसा फ्रैक्चर जो कि स्किन से कॉन्टैक्ट कर लेता है सो उसको ओपन फ्रैक्चर्स बोलते हैं और कंपाउंड फ्रैक्चर्स बोलते हैं अ फ्रैक्चर रिक्वायर्स रिडक्शन बाय विच द अलाइनमेंट ऑफ बोन एंड्स इज रिड्यूस्ड इज रिस्टोर्ड सो फ्रैक्चर को हमें रिड्यूस करना ज़रूरी होता है चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली ताकि जो ब्रोकन हैंड्स हैं वो जोड़ सके वापस हीलिंग हीलिंग रिपेयर ऑफ अ फ्रैक्चर टेक्स प्लेस इन थ्री स्टेजेस जो हीलिंग होती है वो थ्री स्टेजेस में होती है सो फर्स्ट स्टेज इज रिपेयर बाय ग्रैनुलेशन टिश्यू के थ्रू रिपेयर सेकेंड इज यूनियन बाई कैलस कैलस का यूनियन होना एंड सी इज कंसोलिडेशन बाई मैच्योर बोन से कंसोलिडेशन होना ठीक है सो एक्सिस एंड सो थ्री इसमें फेजेस दे रखे हैं स्टेजेस दे रखे हैं फ्रैक्चर रिपेयर के हीलिंग के देन एक्सिस और सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा वी ऑल नो दैट सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा इज नोन एज एक्सिस एंड फर्स्ट इज नोन एज Please comment below. It is called an atlas.
सो एक्सिस जो है, जिसको हम सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा भी बोलते हैं, वो जब फ्रैक्चर होता है, सो बता रखा है कि कैसे फ्रैक्चर होता है. इफ डेंस ऑफ एक्सिस, अगर एक्सिस का जो डेंस है वो गेट सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी, वो उस एक्सिस की बॉडी से अगर अलग हो जाता है, एक्सिस का डेंस एक्सिस की बॉडी से सेपरेट हो जाता है, इट हिट्स द वाइटल सेंटर्स इन द मेड्यूला. तो वो हिट करता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर्स जो है मेड्यूला में, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा में, कॉजिंग इंटेस्टिनियस डेथ. मतलब जिसकी वजह से इतने इंपॉर्टेंट सेंटर्स होते हैं वो, जिसकी वजह से तुरंत डेथ हो जाती है. इवन फ्रैक्चर ऑफ लेमाइना में कॉज डेथ. इवन अगर लेमाइना के फ्रैक्चर ही हो गए, एटलीस्ट एक्सिस के बॉडी के अगर लेमाइना के फ्रैक्चर हो जाता है, तब भी इट मे लीड टू डेथ, हैंगिंग टिल डेथ. इट ऑफकोर्स ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ डेंस ऑफ एक्सिस वर्टिब्रा. ओके, सो इन रिकेट्स, वी ऑल नो दैट व्हाट इज रिकेट्स. सो रिकेट्स इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. कैल्सिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज फेल्स एंड ऑसिफिकेशन ऑफ द ग्रोथ जोन इज डिस्टर्ब्ड. जो कार्टिलेज है उसका कैल्सिफिकेशन होना फेल हो जाता है, एंड जो ऑसिफिकेशन है ग्रोथ जोन में, जिसकी वजह से ग्रोथ हो रही है बोन की, वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है. ओके, रिकेट्स अफेक्ट्स द ग्रोइंग बोन्स. रिकेट्स अफेक्ट करता है, डायरेक्टली अफेक्ट करता है किसको, ग्रोइंग बोन्स को. एंड देयरफॉर द डिजीज डेवलप्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोस्ट रैपिड ग्रोथ ऑफ स्केलेटन, दैट इज 3 months टू 3 years. 3 months से 3 years तक, इस दौरान ही जो रिकेट्स है वो बच्चों में देखा जाता है. ऑस्टियोइड टिश्यू इज फॉर्म्ड नॉर्मली एंड द कार्टिलेज सेल्स प्रोलिफरेट फ्रीली, बट मिनरलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस. इसमें ये है कि कार्टिलेज सेल्स भी बन रहे हैं, प्रोलिफरेट हो रहे हैं, ठीक है, बट मिनरलाइजेशन नहीं हो रहा है. ऑस्टियोइड टिश्यू भी बन रहा है, कार्टिलेज सेल्स भी बन रहे हैं, लेकिन वो मिनरलाइजेशन नहीं हो रहा है, डिपोजिशन नहीं हो रहा है. दिस रिजल्ट्स इन क्रेनियोटेप्स, रेकिटिक रोजरी एट द कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, हैरिसन्स सल्कस एट द डायफ्रामेटिक अटैचमेंट्स, एनलार्ज एपिफाइसेस इन लिम्ब बोन्स एंड द स्पाइनल एंड पेल्विक डिफॉर्मिटीज. ये सब इन चीजों को फॉर्म करता है फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स. प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स के लिए एक चाइल्ड को, एक बच्चे को एडिक्वेट इनफ अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होता है, एंड विटामिन डी चाहिए होता है. और भी चीज़ें, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी इन ग्रोइंग चिल्ड्रन लीड्स टू वाइडनिंग ऑफ एंड्स ऑफ बोन्स. अगर डेफिशिएंसी हो जाए कैल्शियम एंड विटामिन डी की ग्रोइंग बच्चों में, सो वाइडनिंग हो जाते हैं एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स. इस तरह से आप देख सकते हो, नॉर्मल इज बी पिक्चर एंड ए इज ऑफ रिकेट्स. वाइडनिंग हो गए हैं लॉन्ग बोन्स के एंड्स, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज रिकेट्स, और इसको रिकेट्स बोलते हैं. स्कर्वी, इन स्कर्वी देयर इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजिनस फाइबर्स एंड मैट्रिक्स इज इम्पेयर्ड. जो कॉलेजिनस फाइबर्स और मैट्रिक्स है उसका फॉर्मेशन इम्पेयर्ड हो जाता है, डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ द इंटरसेलुलर सीमेंटिंग सब्सटेंसेस, और ढंग से फॉर्म नहीं होता है इंटरसेलुलर सीमेंटिंग सब्सटेंसेस, लैक ऑफ कोलेजन कॉज रप्चर ऑफ कैपिलरीज. कैपिलरीज का रप्चर हो जाता है क्योंकि ढंग से कोलेजन नहीं हो रहा, मिल रहा. सो डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैपिलरीज ढंग से बनती नहीं है. हेमाटोमा इन द मसल्स एंड बोन्स, सब पेरियोस्टल वहाँ पे हेमाटोमा हो जाता है, उसकी वजह से वह पेन होता है, टेंडरनेस होती है. द नॉर्मल आर्किटेक्चर एट द ग्रोइंग एंड्स ऑफ द बोन इज लॉस्ट. और तो नॉर्मल आर्किटेक्चर होता है ग्रोइंग बोन्स का, वो लॉस्ट हो जाता है. ओके, सो नेक्स्ट इज, बहुत सारे स्केलेटल डिफेक्ट्स हैं जो कि जेनेटिक फैक्टर्स से होते हैं और बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, हॉर्मोनल, न्यूट्रिशनल एंड पैथोलॉजिकल फैक्टर्स. अगर हार्मोन इम्बैलेंस हो गए, न्यूट्रिएंट्स इम्बैलेंस हो गए, या इनफ नहीं मिल रहे हैं, या कोई पैथोलॉजी हो गई, या जेनेटिक कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, उस वजह से बहुत सारे मैन स्केलेटल डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं.
नेक्स्ट इज द वर्टिब्रल आर्क और लमाइना ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम में रिमेन डेफिशिएंट इन द स्पाइनल कॉर्ड मे बी कवर्ड बाय द स्किन। कभी कभी क्या होता है जो लमाइना है वो स्किन से कवर्ड हो जाता है, जैसे स्पाइना बाइफिडा अकल्टा में ए आप देखेंगे तो स्पाइना बाइफिडा अकल्टा का दिखा रखा है। देयर मे बी प्रोट्रूजन ऑफ द मेनिंजेस, मेनिंजेस का प्रोट्रूजन हो सकता है सराउंडिंग स्पाइनल कॉर्ड में एंड वर्टिब्रल कैनाल में। सेकेंड इज मेनिंजियोसील और देर इज प्रोड्यूशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एज वेल, स्पाइनल कॉर्ड का भी हो रहा है यहाँ पे। एंड सी इज मेनिंजियोमायोसील, इसमें मेनिंजिस भी एंड स्पाइनल कॉर्ड का भी हो रहा है। नेक्स्ट इज इन डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की डेफिशिएंसी में विटामिन डी अकर्स इन एडल्ट लाइफ। विटामिन डी इन डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी, अगर कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की डेफिशिएंसी हो रही है एडल्ट लाइफ में सो वो ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं उसको, क्योंकि चाइल्ड का जब एज थी अगर तब हो रही थी डेफिशिएंसी विटामिन डी की तो तब हम उसको क्या बोले थे, रिकेट्स। ओके सो अब एडल्ट एज में हो रही है तो उसको ऑस्टियोमलेशिया बोलेंगे। द बोन्स ऑन द एक्सरे एग्जामिनेशन डू नॉट रिवील इनफ ट्रबेक्यूल, और अगर एक्सरे हम देखेंगे तो वो इनफ ट्रबेक्यूल नहीं शो करेगा बोन में। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन बोन्स इन ओल्ड एज लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस, और कैल्शियम की कमी होना हड्डियों में ओल्ड एज में उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। सीन इन बोथ फीमेल्स एंड मेल्स, और ये दोनों में ही देखा जाता है मेल में भी फीमेल में भी। ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस देर इज फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, और ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फॉरवर्ड बेंडिंग होती है। हाँ, फिगर नंबर 2.2 में देख सकते हैं काइफोसिस हो जाता है, मीन्स थोरेसिक जो आपका कर्व है वो ज़्यादा होता है। नर्व्स आर क्लोजली रिलेटेड टू द बोन्स इन सम एरियाज, जो कुछ एरियाज होते हैं लाइक इन दिस फिगर 2.23। सो एक्सिलरी नर्व है जो वो हेड ऑफ ह्यूमरस के पास से गुजरती है एंड जो रेडियल नर्व है वो रेडियल ग्रूव से गुजरती है बैक ऑफ द ह्यूमरस में, एंड अल्नर नर्व मीडियल एपिकोंडाइल के बैक पार्ट में होता है ह्यूमरस के। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि अगर फ्रैक्चर होता है उस पार्ट का, उस धर एरिया का, सो हो सकता है कि वो नर्व भी डैमेज हो, तो सबसे पहले देखना चाहिए कि नर्व को तो कुछ इंजरी नहीं हो रही। ओके सो नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया में डिफरेंस देखते हैं। ऑस्टियो हम देखेंगे कि कैल्शियम एंड फॉस्फेट कैसा है, इसमें एल्कलाइन फॉस्फेटेस कैसा है, ऑस्टियोब्लास्ट कैसे हैं, ट्रबैक्यूल कैसा है। सो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या है, नॉर्मल है कैल्शियम एंड फॉस्फेट, एल्कलाइन फॉस्फेट भी नॉर्मल है, ऑस्टियोब्लास्ट भी नॉर्मल है, बट ट्रबैक्यूल थिन है एंड स्मॉल है। ऑस्टियोमलेशिया में कैल्शियम एंड फॉस्फेट लो है, मे बी लो है, मतलब मे बी लो हो सकता है। एल्कलाइन फॉस्फेट रेज है, बढ़ा हुआ है। ऑस्टियोब्लास्ट इंक्रीज है, बहुत ज़्यादा है, बढ़े हुए हैं। ट्रबैक्यूल जो है वो थिक अनकैल्सिफाइड ऑस्टियोइड है, मोटे मोटे अनकैल्सिफाइड ऑस्टियोइड फॉर्म हो रखे हैं वहाँ पे। बोन मैरो बायोप्सी, बोन मैरो की बायोप्सी, सो बोन मैरो कैन बी टेकन आइदर फ्रॉम मैन्यूब्रम स्टर्नाई, मैन्यूब्रम से ले सकते हैं बोन मैरो या फिर इलेक्रेस से ले सकते हैं इन वेरियस क्लिनिकल कंडीशंस। बोन ट्यूमर बेनिज, देखो यहाँ पे बोन मैरो बायोप्सी का इमेज हो रखी है, इलेक्रेस से ले रहे हैं इस इमेज में। एंड बोन ट्यूमर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, बेनिजन और मेलिग्नेंट। बेनिजन मीन्स दैट ट्यूमर्स विच आर नॉट कैंसरस एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स आर द कैंसरस वंस, जो कि बोन में पाए जाते हैं। तो इसमें मेलिग्नेंट ट्यूमर दिखा रखा है, दैट इज कैंसरस वन। सो कि दैट्स ऑल चैप्टर सेकेंड ऑफ बीडी चौरसिया हैंडबुक ऑफ जनरल एनाटॉमी इज कंप्लीटेड नाउ, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ पॉइंट और यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।